रॉ और आईबी को एक इंटेल मिलता है और इस इंटेल के बाद चीन की तरफ से पाकिस्तान जा रहे एक जहाज़ को रोक दिया जाता है। तुरंत डीआरडीओ की टीम बुलाई जाती है और चेक किया जाता है कि जो इंटेल मिली है वो कितनी पुख्ता है, और उस इंटेल को जांच के बाद डीआरडीओ सही साबित करता है क्योंकि इसमें डुअल यूज़ वाला न्यूक्लियर मिला था जो चीन की तरफ से पाकिस्तान जा रहा था। यही नहीं, इस मर्चेंट शिप का नाम CMA LGM एटिला है, और एटिला जो था वो एक खूंखार लुटेरा और आक्रांता था जिसके नाम पर इस शिप का नाम भी है। इसमें 2200 किलोग्राम से ज़्यादा भारी CNC मशीन भी मिली है। CNC मशीन यानी कंप्यूटर न्यूक्लियर कंट्रोल मशीन। इसका प्रयोग नॉर्थ कोरिया भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में करता आया है। ये मशीन न्यूक्लियर प्रोग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाती है। यही कारण है कि वासेनार कंट्रोल रिजीम के अंदर भी इस मशीन का जिक्र आता है। CNC नाम सुनते ही देशों के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश में अगर ये मशीन भेजी जाएगी तो भारत की ही नहीं विश्व की चिंता का बढ़ना स्वाभाविक है। वासेनार अरेंजमेंट में इस मशीन के आने का मतलब ये है कि 1996 में शुरू हुए इस ग्रुप का जो मेन काम था न्यूक्लियर प्रोग्राम में डुअल यूज़ वाले यंत्र गलत देशों के पास ना चले जाएं, जिससे पूरे विश्व में सुरक्षा खतरा उत्पन्न हो जाए और वैश्विक अस्थिरता उत्पन्न हो जाए। इस मशीन को वासेनार अरेंजमेंट में शामिल करने का अर्थ ही यही है कि ये बहुत संवेदनशील है। ये एग्रीमेंट उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया था। पाकिस्तान और चाइना दोनों इस एग्रीमेंट के सदस्य नहीं हैं, यानी वासेनार अरेंजमेंट में पाकिस्तान और चाइना दोनों नहीं हैं। हालांकि भारत इसका 46वां सदस्य बना था। इस कारण से जो वासेनार के सदस्य देश हैं वो इनपुट और इंटेल आपस में शेयर करते हैं, जिसके चलते इस कार्गो में क्या सामान है इसकी काफ़ी संभावना ये है कि ये जानकारी भी वासेनार अरेंजमेंट में सदस्य देशों ने भारत को दी हो। इसलिए इस बात की संभावना बढ़ गई है कि भारत को ये खबर वासेनार ग्रुप के किसी सदस्य देश ने दी होगी, जिसमें यूरोपीय देश हो सकते हैं या फिर रशिया की तरफ से इस खबर को देने की संभावना ज़्यादा मानी जा रही है। अब बात ये आ रही कि चीन आखिर किसे भेज रहा था। तो पाकिस्तान की कंपनी है कॉस्मोस एनर्जी, चीन उसे ये सामान भेज रहा था। जाहिर है सेना को ये सामान अगर सीधे तौर पर बेचा जाता तो इससे पूरे विश्व के कान भी खड़े हो जाते और ये चीज़ और स्पष्ट हो जाती। तो इसी को एक छुपाने के लिए, एक आवरण देने के लिए एक माध्यम बनाया जाता है और कंपनियों के बीच में लाया जाता है ताकि ये माना जाए कि इसका प्रयोग न्यूक्लियर नहीं बल्कि अन्य कारणों से भी होना है। यही हाल इसी तरह से नॉर्थ कोरिया में भी हुआ था। नॉर्थ कोरिया में भी जब ये CNC मशीन मंगाई गई थी तो एक कंपनी के माध्यम से ही मंगाई गई थी। इस मशीन को एक कंपनी के माध्यम से भेजा जाना कंपनी को चेहरा भर बनाना है। US ने इससे पहले भी चाइना पर अक्टूबर 2023 में 3 कंपनियों पर सैंक्शन लगाए थे क्योंकि वो पाकिस्तान को मिसाइल पार्ट सप्लाई कर रही थी। लेकिन वैश्विक रूप से चीन का जो कद है उससे इन सैंक्शंस की कोई परवाह नहीं होती। उस दूसरी वजह चीन की छवि, जो अपनी तकनीक के माध्यम से पूरी दुनिया में सामान बेचकर जासूसी के आरोप के बाद बदली है। अब चीन इस बेहयाई पे आ गया है कि उससे अपनी छवि को गिरने का कोई डर नहीं रह गया है। US ने जासूसी के आरोपों में कई चीनी कंपनियों को पहले भी बैन किया है और भारत भी ऐसा करता आया है, लेकिन चीन की ताकत यही है कि दुनिया भर के सैंक्शन के बाद भी उसे खास चिंता नहीं करनी पड़ती क्योंकि वह इसके लूपहोल्स ढूंढकर काम करता रहता है। इन सैंक्शंस में अधिकतर दंड की और कठोर व्यवस्था का अभाव भी रहता है, इसलिए भी चीन इनकी कोई खास परवाह नहीं करता है।